नमस्कार, दविंची रिजॉल्व की एक और क्विक टिप आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे हमारे पास ये फुटेज है, अगर मैं कलर पेज में जाकर के यहाँ पर इस पर मास्क लगाता हूँ, तो उसके लिए मैं इधर मास्किंग टूल में जाकर के यहाँ पर पेन टूल लेकर के इसको यहाँ पर एक शेप देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोशन टैब में आकर के यहाँ बैक एंड फॉरवर्ड दोनों में मैं ट्रैक करता हूँ। ट्रैकिंग करने के बाद लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें चेंज करना हो, तो उसके लिए अगर आप इसको यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो ये पूरी की पूरी क्लिप के अंदर यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा, राइट, और आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका सिर्फ इसी फ्रेम के ऊपर ये चेंज आए, तो यहाँ क्लिप से हटा करके इसे फ्रेम पे कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर चेंजेस बनाइए, तो आपके पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर चेंज होंगे, बाकी जगह पर आपकी नॉर्मल रहेगी। तो इस तरह से आप फ्रेम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके जहाँ पर भी जाएंगे किसी भी फ्रेम पर, उधर जा करके आप की चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे नई की बनती रहेगी, आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।